बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लास्ट टाइम यार हमने कुछ चीज़ें देखी थी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। आज है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हम कैसे करते हैं हमारे आरपीएम में। मैं आपने एक जो है प्रोग्राम स्लैश प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू, जिसको हम पार्ट कहते हैं, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, पार्ट और सीपीएम के बारे में। ठीक है, तो अभी उसके तरफ नहीं जा रहा मैं, आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इसके हवाले से। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जी, इसको हमने देखना है। ये आप देखें, मैंने डिस्कस किया था शुरू में जब स्टार्ट किया था, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल था। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें थी ये वाली, जिसमें आपकी जो है असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ रिलेटेड है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन आपका डिज़ाइन के साथ है, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये देखें इवेल्यूशन की तरफ आ रहा है ये चीज़। ठीक है, फिर आपका रीडिज़ाइन मॉड्यूल है आपका, ये ट्रांजिशन आपकी फेज़ है ये। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट साइकिल है। किस लेवल पे ये फॉल कर रहा है इवैल्यूएशन आपकी, प्रोजेक्ट अप्रेजल इसका इसका ब्लॉक इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ये पोर्शन है आपका, ये वाला इवैल्यूएशन का, इसको हमने देखा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन यहाँ पे आती है इस फेज में। ठीक है जी, मॉनिटरिंग असल में है क्या, लुकिंग इनटू द प्रोसेस गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट राइट सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज, सबसे पहली बात ये है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने क्या करना है, यू शुड लुक इनटू द डिफरेंट प्रोसेसेस गोइंग टूवर्ड्स द टारगेट, जो आपके टारगेट को मीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपने शेड्यूल में डाले हुए हैं, जिनको आपने प्लान किया हुआ है, एंड यू आर वर्किंग ऑन ऑन दैट, यू आर गोइंग टू मॉनिटर ऑन दैट, आपने लुक इन टू दैट प्रोसेस जी। प्रोसीजर्स आर बींग फॉलोड अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लान, ठीक हो गया, मीटिंग आर टारगेट और नॉट। ठीक है, चाहे आपका टारगेट या टास्क पर टास्क होता है ना आप, ठीक है, टास्क लेट से आपने उसको सब टास्क डिवाइड, कंप्लीट हो रही है, आप उसको मॉनिटर करते जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टू द प्लान स्केड्यूल। तो मीटिंग आपकी होती है और टारगेट अचीव होता है या नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है किसी भी हालत में। तो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन कलेक्शन एनालिसिस रिपोर्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, ये भी मॉनिटरिंग का पार्ट हो जाएगा। एंड एज वेल एज प्रोग्राम इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन एज प्लान इन द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया था आपको प्रोग्राम होता है। ठीक है जी, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जर्वेशंस की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, एनालिसिस की, डॉक्यूमेंटेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन रीप्लानिंग, इसका मतलब ये चीजें आपकी पार्ट होंगी मॉनिटरिंग में, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ऑनलाइन डेफिनेशन हमें क्या कहती है, whether right thing is being delivered to the right people at the right time in a right way, yani ke right people at right direction in a right time in a right way. aapne assalam alaikum sir, ji walikum assalam sir, ye sir aapki taraf se shor aa raha hai, meri taraf se shor aa raha hai, ye kisi aur ka saaf kar, unka mic mute karwa deta hu, mic khula hai, ha mic ka bhi mic, main mic mute karwa deta hu, mic ji 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 ये काम हो गया सर, किसी की तरफ का किसी का माइक खुला था। हाँ हाँ चलो, क्वेश्चन करने के लिए आऊंगा अच्छा, मेरी तरफ से तो भाई मैंने शोर में नहीं बैठा हुआ। नहीं नहीं आप आपकी तरफ से ठीक है, वो ला गया सर। तो राइट टाइम जी जी, राइट थिंग्स को आपने राइट टाइम पे राइट जगह पर प्लेस करना, एक प्रॉपर टाइम अपने फोकस करके, ठीक है, मॉनिटर करना, ये आपकी ना ऑनलाइन डेफिनेशन है मॉनिटर। इसके बाद जनाब अली आपका आता है बट इज नॉट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या नहीं है, पॉलिसी बनाना, इम्पोज करना, पॉइंट आउट करना, हाईलाइट करना पॉलिसीज को, ये आपको मॉनिटर नहीं है। टूल्स फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग टूल्स में आपकी स्टाफ मीटिंग्स आ जाएंगी वीकली या मंथली, एनुअल पार्टनर्स मीटिंग आ गई, लर्निंग फोरम्स आपने बनाए होते हैं, लर्निंग सेशन, आपकी एफजीडीज, आपके सर्वेस, आपके रिट्रीट्स, पार्टिसिपेटरी आपके रिव्यूज हो जाएंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ आपने जो है फीडबैक लेना है, उनके साथ मीटिंग करनी है आपने, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन टूल्स आएंगे आपके, प्रोग्रेस आपकी रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं ना या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं कि यार इस मॉड्यूल को इतना टाइम लगा था, इसको हम देख रहे थे, ये इसका एनालिसिस है, आगे अब क्या करना है, इसका मतलब आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता चला ना अगर आपकी प्रोग्रेस। ठीक है, गोल्स ऑफ मॉनिटरिंग क्या है, टू इंश्योर दैट इनपुट्स एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान, पहले इस चीज को आपने इंश्योर करना है, जो आपके इनपुट्स थी, एक्टिविटीज थी, आउटपुट्स थी, वो अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रोसीड हुई है, एंड यू हैव टू डिटरमिन वेदर द इनपुट्स आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, क्या आपने उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया भी है
ऑप्टिमली, ठीक है। और आपने इस चीज को इंश्योर करना है दैट आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं दैट आर कैरीड आउट बाय द राइट पीपल इन द राइट टाइम, जिसको मैं पिछली दफा अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर रहा था। यू हैव टू प्लेस राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड यू हैव टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ इनपुट्स एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स। अभी आपने एक रिकॉर्ड रखना है, ट्रैक रखना है एंड टू वार्न ऑफ डिविएशंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स से आप मॉनिटर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सम ऑफ द एम्प्लॉयज एंड सम जो कुछ चीजें हैं वो जो है ना कुछ चीजें लेफ्ट राइट हो गई हैं, कुछ एम्प्लॉयज अपने ऑब्जेक्टिव से डिविएट कर गए हैं, वेरिएशन आ गई, तो आपने उनको वार्न भी करना है। वार्निंग उसी सूरत पॉसिबल है जब आप मॉनिटरिंग करते हैं, टू वार्न ऑफ डिविएशंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। एंड आपने असिस्ट भी करना है अपने मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में। एंड मॉनिटरिंग शुड टेक प्लेस एट द एंड, ठीक है, एट एंड बी इंटेग्रेटेड इन टू ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग और फोकस है जो आपका, तो आपकी इवेल्यूशन है और रिव्यू इसका पार्ट है, ये प्रोजेक्ट साइकिल के हर फेज में जारी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब इवेल्यूशन आती है तो उससे पहले मॉनिटरिंग भी चल रही होती है, ये तो आपके साथ है जी। इवेल्यूशन की तरफ मैं आ रहा हूँ। इवेल्यूशन क्या है फिर? जजिंग, अप्रेजिंग, डिटर्मिनिंग द वर्थ, वैल्यू और क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट टू मेक नेसेसरी डिसीजन। देखें कितनी बात है, जज करना है, अप्रेजल्स करनी है, डिटर्मन करना है, वैल्यूज और वर्थ उनकी देखनी है और प्रोजेक्ट की क्वालिटी देखनी है। किस लिए? ताकि आप नेसेसरी डिसीजन ले सकें, दैट इज योर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। दीज आर द की फैक्टर्स, ठीक है। रिगार्डिंग दिस यू हैव टू वैल्यूएट द थिंग्स। इसमें क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, रेलेवेंस, द एक्सटेंट किस हद टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डेवलपमेंट इंटरवेंशन आर कंसिस्टेंट विद बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज के साथ किस तरह, किस हद तक आपके डेवलपमेंट इंटरवेंशन हैं, किस हद तक यू आर कंसिस्टेंट, किस हद तक आप रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं एंड पार्टनर्स के साथ और आपकी डोनर्स पॉलिसीज के साथ आप कितना मीट कर रहे हैं, यू आर किस हद तक आप रेलेवेंट हैं इन बातों के साथ। इफेक्टिवनेस क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स। एफिशिएंसी, डूइंग थिंग्स राइट। एक डूइंग राइट थिंग्स है और एक डूइंग राइट थिंग्स। अगर आप सही चीजें कर रहे हैं दैट इज योर एफिशिएंसी, और अगर आप सही चीजें कर रहे हैं दैट इज योर इफेक्टिवनेस। सस्टेनेबिलिटी क्या है? मीटिंग नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। आपने विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू आफ्टर डोनर्स इंटरवेंशन, डेफिनेटली ये होगा। और आपने इसको कॉम्प्रोमाइज करना द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, तभी आप सस्टेन कर सकेंगे ना, दैट विल अवेलेबल दैट इन योर फ्यूचर एक्सटेंशन एज वेल। इम्पैक्ट क्या होगा? उसका जो असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लॉन्ग टर्म हो सकते हैं आपके इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जो आपकी इंटरवेंशन डेवलपमेंट इनकी वजह से हुई है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन क्या होगी? ये कौन सी इंफॉर्मेशन जी? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यार, ये जी आपकी इवेल्युएशन प्रोवाइड्स द information. What type of information we are talking about? Strategy. They are the right things being done. You have to think about it. Are the right things being done? Jin right things ki aap baat kar rahe ho, jin cheezon ki aap baat kar rahe ho, jin ko aapne justify karna hai, kya ye aapne perform kar li hai, kya meri strategy ka part hai, iska kya asar hua? Aur operations mein aap dekhenge, are things being right? जो चीजें थी वो सही भी थी, जिसको मैं सही बना के बैठा हूँ। इफेक्टिवनेस देखनी है, एफिशिएंसी देखनी है और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन देखनी है। लर्निंग, आर देयर बेटर वेज, क्या इससे भी कोई अच्छी जो है हमारे पास रास्ते हैं, अल्टरनेटिव क्या होंगे, हमें इससे क्या सबक मिला, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट था तो हमें इसकी अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट में और पॉजिटिव इम्पैक्ट में दोनों, और हमें जी इवेल्यूशन की टाइप्स हैं जी। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन होती हैं आपकी और एक समेटिव इवेल्यूशन होती हैं। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन कौन सी होती हैं? इवेल्यूशन इंटेंडेड, जिनका आपने रादा किया हुआ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मोस्ट ऑफन कंडक्टेड ड्यूरिंग द डिजाइन एंड और इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। कौन से फेजेस में? डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में।
प्रोजेक्ट की या प्रोग्राम में होते हैं. इवैल्यूएशन दैट इज इंटेंडेड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आप करते हैं इवैल्यूएशन, डिजाइन फेज में या इंप्लीमेंटेशन फेज में, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम में, दैट आर योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस. समेटिव इवैल्यूएशंस आर स्टडी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंटरवेंशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू व्हिच एंटीसिपेटेड आउटकम्स वर प्रोड्यूस्ड. जो आपके एंटीसिपेटेड आउटकम्स थी वो आप प्रोड्यूस की कि नहीं की, इसका मतलब है कि इंटरवेंशन आ रही है ये, ठीक है, वो आपकी डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन फेज में आ जाएंगे या एंड पे चले जाएंगे समेटिव में, जिसको समराइज करना है, इसलिए हम इसको समेटिव कह रहे हैं. जो आफ्टर इंटरवेंशन है. टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन: पार्टिसिपेटरी, प्रोसेस बेस्ड, आउटकम बेस्ड, सेल्फ इवैल्यूएशन जिसको 360 डिग्री भी कहा जाता है, एंड गोल बेस्ड इवैल्यूएशन. दीज आर द टाइप्स ऑफ योर इवैल्यूएशंस. जी, पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन in which representatives of agencies and stakeholders work together in designing, carrying out and interpreting an evaluation. Yaad rakhiyega kaun kaun aa raha hai. Together designing, carrying out and interpreting an evaluation. Aapne kaun kaun se hain isme log? Agencies hain aapke, stakeholders hain. Kaam ikattha karenge kiske liye? For designing, carrying out and interpreting an evaluation. Ye aapki participatory, isme participation aa rahi hai stakeholders ki aur agencies ki. Process based mein kya hota hai? ऐसी इवैल्यूएशन जो आपके जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं आपके प्रोजेक्ट के और इसकी जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है. इट्स सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, इट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड द लिंकेजेस अमंग दीज. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और डिलीवरी मैकेनिज्म, मैनेजमेंट क्या प्रैक्टिस कर रही है और इसका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है सर्विसेज और प्रोसेसेस के हवाले से, इनका जो गठजोड़ है, इनका इंटीग्रेशन है, इसको जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, इट मींस यू आर इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है जी. नेक्स्ट है जी हमारे पास, दैट इज योर आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन. ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग राइट थिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम, फैसिलिटेट कर किस चीज को फैसिलिटेट करना है और डूइंग राइट ब्रेक डाउन द or not. You just need to focus out on outcome, remember. So that is why we are called outcome evaluation. Just you need to evaluate the outcomes. 360 degree mein kya hota hai? Evaluation planners implemented. Evaluation by those who are entrusted with design and delivery of product. And isko planner aur implementation karne wale zaraat hain. Usko khud jo evaluation apni taraf se karte hain, wo aapki 360 degree hoti hai. गोल बेस्ड में क्या होता है, इस हद तक आपने चेक करना है आपके जो मैंने डिटरमिन किए थे ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे जिसको मैंने डिटरमिन किया था उसके मुताबिक उसकी एवेल्यूशन कर ली है कि नहीं कर ली, ठीक है. इसके बाद आपका रिलेशनशिप ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन, दोनों के दरमियान फिर ताल्लुक क्या है. मॉनिटरिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हो, एनालिसिस करते हो, रिपोर्टिंग करते हो और करेक्टिव एक्शन एट द ऑपरेशनल लेवल. ये देखें तीनों फेज से गुजरने के बाद आप एंड पे आ गए, करेक्टिव एक्शन एट द ऑपरेशनल लेवल. लेकिन यहाँ पे आपका जो एनालिसिस है ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है. क्या रिकॉर्ड हो रही है? इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग हो रही है. इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई तो तभी एनालिसिस फेज पे, ठीक है, तभी इवैल्यूएशन के लिए जा रही है. इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग, ये मॉनिटर किया इसको रिकॉर्ड करके, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दोनों को इकट्ठा किया, उसका फिर एनालिसिस हुआ, फिर उसको एनालिसिस करके आपने जो अपनी रिकमेंडेशन एंड पे देनी है एवेल्यूएट करके, जिसकी हमने टाइप्स पीछे पड़ी इवैल्यूएशन की कौन-कौन जो भी है उसके मुताबिक आपने रिकमेंडेशंस देनी है. इसमें क्या है, अफर्मेशन और मॉडिफिकेशन इन द ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस, ये वो तीन चीजें होती हैं जिनको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएट करने के बाद देख रहे होते हैं, योर ऑब्जेक्टिव्स, योर रिसोर्सेज एंड प्रोसेस. जी, डिफरेंस क्या है दोनों का, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का डिफरेंस ये देखें जी. जी, इवैल्यूएशन करता है टू वैलिडेट व्हाट रिजल्ट्स वर अचीव, क्या रिजल्ट्स आपने अचीव किए थे एंड हाउ एंड व्हाई दे वर और वर नॉट अचीव्ड. अब बेसलाइन से नहीं आ रहा, ठीक है, आपने वैलिडेट करना है
आपने कौन कौन से रिजल्ट्स अचीव कर लिए और कौन कौन से अचीव नहीं किए। मेथोडोलॉजी आप देखें, टैक्स एंड असेसेस परफॉर्मेंस थ्रू एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस के जरिए परफॉर्मेंस हम चेक करें, उसको ट्रैक करें, एंड कंपैरिजन ऑफ इंडिकेटर्स ओवर टाइम, डिफरेंट इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। एवेल्यूएशन में क्या होता है, एवेल्यूएट्स अचीवमेंट और आउटकम्स बाय कंपेयरिंग इंडिकेटर्स। अब उन्हीं इंडिकेटर्स को जो है यहाँ पे इंडिकेटर्स को यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं, बिफोर बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट रिलाइज ऑन मॉनिटरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसकी भी मैं पीछे बात कर रहा था, एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इस पर रिलाई करती है। देखिए ये चीज, ये यहाँ से आपके ये रिकॉर्ड हुई इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे आई फ्रॉम मॉनिटरिंग, ठीक है, इसका मतलब उस पर रिलाई कर रही है, तो दैट इज वाई मैं पीछे गया हूँ। अब मैं बात करता हूँ जी कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, दिस कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक बाय प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड की पार्टनर्स। ये सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस एक फेज होता है, जबकि ये टाइम बाउंड है जो वैल्यूएशन है। पीरियोडिक इन डेप्थ, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स एंड पार्टनर्स इसमें होते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक फेज अडॉप्ट नहीं किया जा सकता इसमें। जबकि यूजेस क्या है इसकी, अलर्ट्स मैनेजर्स अबाउट प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस, मैनेजर्स को अलर्ट किया जाता है अबाउट प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस, प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर करेक्टिव ऑप्शंस एंड हेल्प्स डेमोंस्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब करने में मदद मिलती है इसकी। मतलब कि वैल्यूएशन क्या करता है, प्रोवाइड मैनेजर्स डोनर्स स्टेक होल्डर्स विद स्ट्रेटजी के बारे में बताता है डोनर्स को और स्टेक होल्डर्स को, एंड पॉलिसी ऑप्शंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर लर्निंग एंड डेमोंस्ट्रेट्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये भी डेमोंस्ट्रेट कर सकता है, इसकी भी खासियत है इसमें, इसका यूज शामिल है जी। उसके बाद आपका आता है जी वाई मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हमारे पास क्वेश्चन है वाई एम एंड ई, क्यों जी वाई मॉनिटरिंग एंड वाई इवैल्यूएशन। देखिए मॉनिटरिंग इसलिए कि ऑब्जर्व चेक करना है, इवैल्यूएशन जज एंड वैल्यू रखनी है हमने, यहाँ पर रिकॉर्ड और अकाउंट है, वहाँ पे असेस है, डे टू डे डिसीजन है, यहाँ पे मेजर डिसीजन है, प्रोवाइड इन्फो फॉर इवैल्यूएशन और ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। वेन कब करना है, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन और कंटिन्यूशन फेज में आपने जब चलना है तब मॉनिटरिंग करनी है। इवैल्यूएशन कब करनी है, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम से पहले, प्रोजेक्ट प्रोग्राम के बाद, या मिड के किसी एक फेज में, और ये पीरियोडिक होगी, इसका मैं फेज फेज की बात कर रहा था, ठीक है, ये तब होगी। की यूजेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली। अकाउंटेबिलिटी क्या है, वार्न ऑफ डिविएशंस फ्रॉम गोल्स, ये मैं बता चुका हूँ, जो ऑब्जेक्टिव से कोई हटता है, जिसमें आपकी इनपुट्स की रिव्यू आ जाएगा, एक्टिविटीज और रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करके आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग में क्या आएगा, इम्प्रूविंग इम्प्लीमेंटेशन पीरियोडिक रिव्यू जो मैनेजमेंट की की नीड्स है और डिफरेंट स्केल कॉल्स जो नीड्स है, आज कोशिश करें उन चीज को मॉनिटर करें। मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड, इसको जरूर सोचेंगे, मिनिमम अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये ना हो कि आपका जेन यही हो कि मैंने करना है साहब, मैंने तो सबकी खाल खेच ली, मैंने तो सबको डीमोरलाइज करना है, डिमोट करना, आपने मिनिमम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है। कीप आउटपुट्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, लेसन क्या सीखा हमने, देयर शुड बी नो एक्टिविटीज विदाउट रिकॉर्ड्स, बिल्कुल, no records without analysis, बिल्कुल, and no analysis without learning, and so on, the no learning without action, ठीक है, so action is required everywhere, action is required, ये चीजें हमने दर्ज की हैं। इस हवाले से आप देखें, ये कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं था, इसमें अब मैं भी आप लोगों को assignments दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने जो इस पर काम करना है, इसको इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है, दैट विल बी, वैसे आप मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करवा दें, दैट विल उस लेक्चर से पहले, क्योंकि हम लेक्चर मैंने आपको देना है, स्टार्ट करना है, वो होगा आपका जनाब अली प्रोजेक्ट स्लैश प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक,
PERT and CPM, ये दो चीजें PERT and CPM, इनको इस पे आपने काम करना है, दैट इज योर असाइनमेंट। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता बल्कि ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, यू हैव टू नो अबाउट द PERT एंड CPM, वर्किंग कैसे करते हैं इनकी, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, तो कैसे काम किया जाता है, व्हाट आर दीज, एग्जाम्पल के साथ, एंड यू कैन सबमिट दीज असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लेसन से पहले मुझे समझा दें, ताकि मैं भी आपको समझा सकूं, इवैल्यूएशन रिवीजन टेक्निक आएगी ये, ठीक है जी। ये किसी का कोई क्वेश्चन है सर, प्लीज अनम्यूट हो जाएं। जी जी प्लीज प्लीज अफान सर, वर्ड फाइल में बनानी है, जिसमें मर्जी बना दो यार, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होनी चाहिए। सर आपके साथ शेयर कर दें, मेरे साथ मुझे मेल कर दें, मेरी एड्रेस पे मेल कर दें, सबकी मैंने असाइनमेंट्स मंगवाई है वहां पे, ठीक है सर। ग्रुप में ना करें बेहतर है, मेल कर दें मुझे, ठीक है भाई, ठीक है सर, मेरे मेलिंग एड्रेस में आपको ग्रुप शेयर भी कर दूं। जी सर अपना मेलिंग एड्रेस शेयर कर दें, उस पे हम मेल करते हैं। पार्ट और सीपीएम में काम आना चाहिए, बहुत इजी है, वैसे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, लेकिन मैं इसका आगे असाइनमेंट देना चाह रहा हूं, पता क्यों, फिर जनाब जानते हो कि मैंने भी मैं डिस्कस भी कर रहा था उससे, मुशरफ से और उससे सलमान से भी, कि यार मिड नहीं ना होने, सो इट इज पॉसिबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ योर असाइनमेंट्स एवेल्यूएट किया जाए इसको, लेक्चर भी भेज देता हूँ, ठीक है जी, थैंक यू सर, ठीक है।